नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ओ सॉरी, आप लोग तो क्लास 12 पास कर गए हैं ना। हाँ, तो देखिए, इस बार क्लास 12 पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, यानी कि क्लास 12 के बाद यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, सिंपल भाषा में बोले तो बीए बीकॉम अथवा बीएससी में एडमिशन करवाना चाहते हैं और आप लोगों ने सीयूईटी के एग्जाम को नहीं दिया है, तो आप लोगों की एडमिशन की जो प्रक्रिया है ये आपका झारखंड के कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। तो कौन कौन से जिले में आपका यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए कौन कौन से जिले के कॉलेजों यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जितना भी अपडेट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट हो अथवा जैक बोर्ड से जुड़ी अपडेट हो, सबसे पहले दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को कि बिना सीयूईटी के झारखंड के कौन कौन से जिलों के कॉलेजों में एडमिशन आपका शुरू हो चुका है। तो देखिए बच्चों, पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप सीयूईटी के फॉर्म को भरने में असमर्थ हैं तो छोड़ दीजिए, सीयूईटी का फॉर्म मत भरिए, क्योंकि झारखंड के कॉलेजों में आपका बिना सीयूईटी का भी एडमिशन होता है। और ये कौन से तरीका से एडमिशन होता है, तो ये आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होता है। ये चांसलर पोर्टल क्या है, तो चांसलर पोर्टल आपका एक वेबसाइट है। देखिए, जिस प्रकार से आपका सभी जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, जैक बोर्ड में उसका हेडकोन होता था, जैक बोर्ड होता था, उसी प्रकार से जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का, उसका हेड आपका एक तरह से कर सकते हैं एडमिशन लेने की प्रक्रिया आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखिए, चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपका एडमिशन हो चुका है, मतलब एडमिशन होना आपका शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे BBMKU यानी कि जो विनोद बिहारी कल्याणचल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका धनबाद में पड़ता है, और इसके अंतर्गत आपका सिर्फ धनबाद के कॉलेज ही नहीं, आपका धनबाद हो गया, आपका फिर बोकारो हो गया, बोकारो और फिर झारखंड के कुछ कॉलेज आपका BBMKU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका एडमिशन की प्रक्रिया है ये आपका शुरू हो चुका है। ये कब से कब तक है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए किसमें आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत आपका जो कुछ जिले हैं, जैसे आपका गुमला हो गया, ठीक है, रांची हो गया, खुट्टी हो गया, तो इसके अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन जिलों के जो कॉलेज हैं ये आपका आता है। तो इसमें भी आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपका क्या हुआ, एडमिशन शुरू हो चुका है। ठीक है, ये कल नहीं शुरू हो चुका है, ये परसवें नरसवें का पेपर है, मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। ठीक है, वो एक विद्यार्थी का मैसेज आया, तब हमको भी याद आया, अरे भैया विद्यार्थी को पता कैसे चलेगा, तो भैया आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आपका यूजी SKMU यानी कि जितना भी संथाल परगना का मतलब, जैसे कि आपका ये हो गया दुमका जिला हो गया, ठीक है, संथाल परगना दुमका जिला हो गया, जामताड़ा हो गया, देवघर हो गया, ठीक है, और भी आपका गोड्डा हो गया, तो ये संथाल परगना के यानी कि SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं ये सब जिला, और यहाँ पे भी आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपका एडमिशन शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका देख सकते हैं SKMU यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए आपका DSPMU यानी कि जो आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, जो कि रांची में है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉलेज है उसमें भी आपका चांसलर पोर्टल से एडमिशन शुरू हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं इसमें भी आपका यूजी के लिए चांसलर पोर्टल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधी अपडेट था। अब यहाँ पे जानते हैं कि इन जो कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका जो आपका शुरुआती डेट कब है, कब से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, और इसका लास्ट डेट आपका कब है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं जो चांसलर पोर्टल है उस पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं चांसलर पोर्टल। ठीक है, देखिए, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे सर्च किया था, लिखा हुआ चुका है, तो ये आपका इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका पूरी झारखंड के जितने भी आपका कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, सारा में इसी के माध्यम से एडमिशन होता है। ठीक है, अगर बिना CUET का, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला आपका लिंक आ रहा है चांसलर पोर्टल, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, खुल रहा है, देखिए थोड़ा सा नेट स्लो है। ठीक है, तो देखिए खुल करके आ चुका है चांसलर पोर्टल, इसी के माध्यम से सारा कुछ आपका एडमिशन होता है। देखिए यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट क्या गया है कि फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसे हम लोग सिंपल में बीए बीएससी या तो बीकॉम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें आपका एमए बोलते हैं, जो यूजी करने के बाद एमए करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसके लिए आपका शुरू हो चुका है, तो प्लीज चेक आपका न्यूज और अपडेट सेक्शन।
एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस पर क्या करते हैं, सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आपका शुरू हुआ है, किसका आपका लास्ट डेट है, और यहाँ पे आपका ये इसमें शुरुआत कब हुआ और इसका लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो पहले देखिए SKMU यानी कि जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका दुमका में है, और इसके अंतर्गत उसके जो 4-5 जिले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जामताड़ा के जितने कॉलेज हैं, आपका गोड़ा के जितने कॉलेज हैं, आपका देवघर के जितने कॉलेज हैं, ठीक है, और आपका दुमका के जितने कॉलेज हैं, सारा इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं उस कॉलेज आपका कौन से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप लोग क्या कीजिए, आपके जो सीनियर है, सीनियर का मतलब जो बीए किए होंगे ना जी आसपास में, कोई भैया पड़ोस बीए किए होंगे, तो उससे पूछिएगा कि ये कॉलेज वाजी हम यहाँ लिखवेल खो जाए, ये कौन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो बता देगा, क्योंकि उससे वो पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से पढ़े हैं, तो हमको मालूम है कि ये वीवीयू से रिलेटेड है, हमको मालूम है कि ये जामताड़ा जिला, ये जिला, वो जिला आपका उससे रिलेटेड है, तो सभी जिला का बताना संभव नहीं, एक बार आप लोग अपने सीनियर से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि संथाल परगना के जितने भी जिले हैं, जैसे पाकुड़ हो गया, इसी के अंतर्गत आता है, SKMU के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका फॉर्म डेट कब से, 10 मई से शुरू हुआ था और 21 मई आपका लास्ट डेट है। सभी का अलग अलग डेट है, ठीक है, जिससे सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजी एप्लीकेशन, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आपका रांची यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी में भी आपका चांसलर पोर्टल्स के माध्यम से एडमिशन शुरू हो चुका है, तो ये आपका 10 तारीख से यहाँ पे भी शुरू हुआ था और ये आपका 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी जिससे गुमला जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, ठीक है, कराची हो गया, कुटी हो गया, सारा इसी के अंतर्गत है, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। उसके बाद आपका BBMKU, मैंने बता दिया कि BBMKU के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज जिला के कॉलेज आते हैं, तो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह के कुछ प्रखंड के कॉलेज आते हैं, गिरिडीह पूरा नहीं, पूरा गिरिडीह आपका BBU के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दो जिला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 तारीख से शुरू हुआ है, यहाँ पे 4 मई से और 25 मई इसका लास्ट डेट है। तो जो नहीं भरे हैं चांसलर पोर्टल में, मतलब जो CUET का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो इसी एक ही माध्यम है इसी से एडमिशन कराने का, ठीक है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे DSPMU यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं इसमें भी आपका 10 तारीख से शुरू हुआ है, 30 तारीख आपका लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे JWU यानी कि जमशेदपुर यूमेन यूनिवर्सिटी जो कि जमशेदपुर में है, और इसके अंतर्गत वहाँ पे जमशेदपुर में जितने भी यूमेन्स कॉलेज हैं सारे इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 तारीख से शुरू हुआ है, 6 मई से लेकर के आपका 28 मई तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो यही मात्र जो आपका 5 यूनिवर्सिटी है, बाकी बात जो आपका VBU बच गया, ठीक है, उसके बाद आपका नीलांबर NPU यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बच गया, उसके बाद फिर आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी बच गया, तो इसमें भी आपका जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि VBU में आपका गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, कोडरमा हो गया, छतरा हो गया, ये VBU के अंतर्गत आता है, तो इस समय आपको बता दूंगा। बाकी बात कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है आप लोग अपने सीनियर से एक बार जानकारी ले लीजिएगा, और इसमें आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, कोई भी साइबर कैफे होगा ना भाई साहब, वहां पे सिंपली चल जाइए ना, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। कितना लेगा, तो 250 से लेकर के 300 तक हो सकता है शायद आपका फी रहे, ठीक है, यही आसपास फी रहेगा, ज्यादा फी नहीं रहेगा। CUET में जिस तरह से 1500-1000 फी था उस तरह से नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका जैसे ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब कि पहले वो किसको एडमिशन लेगा, जिसका ज्यादा नंबर है उसका एडमिशन लेगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट भी आपका जैसे ही आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म होगा उसका लगभग 4-5 दिन बाद मेरिट लिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहली बात आप लोग क्या कीजिए, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसके जो कॉलेज है आप लोग एक बार सीनियर से पता कीजिए और आप लोग अप्लाई कर दीजिए फटाफट, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट था, बाकी बात और अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोगों के लिए सरप्राइज आ रहा है, एक न्यू आपका चैनल लेकर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ UG का ग्रेजुएशन का पढ़ाई होगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं भाई साहब, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।